दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वर्मा संस ज्वेलर्स, चौक बाजार, सोलन। करसोग में नगर पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर तय हो गया है। सोमवार को SDM कार्यालय में ड्रॉ ऑफ लॉट के माध्यम से नगर पंचायत के कुल 7 वार्डों की आरक्षण प्रक्रिया को पूरा किया गया। इसमें 3 वार्ड महिला व 1 वार्ड अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित हुए हैं, जबकि 2 वार्ड अनारक्षित रहेंगे। करसोग में रिजर्वेशन के रोटेशन के तहत ड्रॉ ऑफ लॉट की प्रक्रिया पूरी की गई। इसमें जगातखाना अनारक्षित अपर न्यारा महिला के लिए आरक्षित हुआ है। इसी तरह से न्यारा वार्ड SC, इसके अतिरिक्त करसोग सदर महिला, पुराना बाजार अनारक्षित, करसोग बाजार महिला, बरल अनुसूचित जाति महिला के लिए रहेगा। SDM की अध्यक्षता में 3 राजपत्रित अधिकारियों व 3 प्रमुख लोगों की उपस्थिति में ड्रॉ ऑफ लॉट की प्रक्रिया को पूरा किया गया। SDM सुरेंद्र ठाकुर ने खबर की पुष्टि की है। सरकार के निर्देशानुसार जो नगर पंचायत करसोग का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसमें कुछ वार्ड बाहर गए और कुछ नए वार्ड बने। इसके बाद जो रिजर्वेशन का रोस्टर है वो नए सिरे से लागू होना था, तो इसके लिए आज जो बैठक की गई थी उसमें 3 प्रोमिनेंट मेंबर थे और 3 हमारे जो गजेटेड ऑफिसर थे उनके समक्ष रोस्टर फाइनल किया गया और जो सरकार के दिशा निर्देश है उनका पूर्णतः रूप से पालन हुआ और जो रिजर्वेशन का रोस्टर है वो फ्रेश से लागू हुआ, जिसमें हमारी 3 सीटें फीमेल ओपन के लिए है, 2 SC के लिए है और 2 अनरिजर्व रही है। सर, इसमें अभी जो नए सिरे से परिसीमन हुआ है, इसमें मतदाता सूचियों को कब तक जो है उसमें एडिशन और डिलीशन के लिए रखा गया? ये 19 तारीख से हमारा जो क्लेम एंड ऑब्जेक्शन का है, डिलीशन का है, एडिशन का है, 19 तारीख से ये शेड्यूल स्टार्ट हुआ है और 27 तारीख तक जारी रहेगा। इसमें तहसीलदार करसोग रिवाइजिंग अथॉरिटी है, अगर किसी के भी क्लेम्स आते हैं, ऑब्जेक्शन आते हैं, एडिशन और डिलीशन के लिए कोई एप्लीकेशन आती है तो वो डिसाइड करेंगे। उसके बाद हमारी जो मतदाता सूची है वो फाइनल जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाएगा। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए करसोग से दिनेश कुमार।